बजट सेगमेंट में आइको ने एंट्री कर ली है। क्या आइको बजट सेगमेंट में सबको कर देगा? ये है आइको Z9 लाइट। नाम लाइट है लेकिन फीचर्स देखने में भाई सच में बिल्कुल भी लाइट नहीं लग रहा। इस फोन में बजट में सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है सोनी का AI कैमरा, प्रीमियम लुकिंग डिजाइन, IP64, ये सब चीजें 10,000 के अंडर में, तो टेस्ट करना तो यार बनता, क्योंकि जो इसके स्पेक्स है, जिस तरह के फीचर्स है और जैसा प्राइस है, आई थिंक पहली बार आइको का कोई फोन आपको अंडर 10K में देखने को मिल रहा है। सोचने वाली बात नहीं है। ओके, सो ये है रिटेल बॉक्स। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे Z लिखा हुआ है, यहाँ पे आइको लिखा हुआ है, इधर भी आइको लिखा हुआ है, इधर भी आइको है, हर जगह आइको है। फटाफट से भाई इसको खोलते हैं। खुल जाओ। सिम टाइम लग गया खुलने में। सबसे पहले मैं इसके डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। भाई मजाक नहीं कर रहा, आप खुद देखो यार, ये देखने से किसी एंगल से लग रहा है ये एक अंडर 10K वाला स्मार्टफोन है। प्राइस के हिसाब से इसका जो डिजाइन है, लुक है, फील है, वाओ। इसमें एक और कलर है, ये एक्वा फ्लो वाला, ये देखो भाई, ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। दो कलर आपको मिल जाएंगे, एक है मोका ब्राउन और दूसरा है ये एक्वा फ्लो। मुझे तो पर्सनली भाई देखने में ये जो एक्वा फ्लो है, ये देखो भाई कितना प्यारा कलर लग रहा है। इन दोनों फोन को सीरियसली भाई अगर कोई बैक साइड से देखेगा ऐसा लगेगा भाई 20-25 हज़ार रुपए वाला स्मार्टफोन है। ये देखो इन्होंने बैक में मैट फिनिश यूज किया है, ऐसे टच करते तो फिंगरप्रिंट के निशान बिल्कुल भी नोटिस नहीं हो रहा, मतलब ऐसे होल्ड करते जो फील है ना कहीं से नहीं लग रहा भाई ये 10,000 वाला फोन है। वैसे इसकी जो थिकनेस है ना वो 8.39 mm है, ठीक है, मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं है, मीडियम से थिकनेस है इसकी। चलो एक बार वेट मशीन पे मैं आपको वेट दिखा देता हूँ। ये देखो इसकी वेट 188 ग्राम है, ठीक है यार, जो वेट है वो ज्यादा हल्का भी नहीं, ज्यादा भारी भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें गेमिंग टेस्ट करना चाहूंगा। है अब बोलो भाई, गेमिंग टेस्ट इतने जल्दी कैसे? भाई आइको के जो फोन होते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए जाना जाते हैं, एंड आपको तो बताया मैं भाई परफॉर्मेंस यूजर हूँ, पीरो गेम प्ले करना हमें बहुत अच्छा लगता है यार। चलो पहले पीरो गेम प्ले टेस्ट करके देख लेते हैं। एक बार मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ भाई। ये देखो स्मूथ ऑप्शन है, बैलेंस है, HD पे आप खेल सकते हो, HDR ऑप्शन नहीं है, स्मूथ पे भाई अल्ट्रा ऑप्शन है, तो 40-50 FPS का आपको गेम प्ले देगा। अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूं तो भाई ग्राफिक्स तो बढ़िया दिख रहे थे। भाग गया, डर गया, मनोज सारू को देखे भाई अच्छे अच्छे डर जाते हैं। चलो लेट्स गो, सबको अपना पीरो गेम प्ले दिखाते हैं। ओए ये देखो बढ़िया, वाओ वाओ वाओ, मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा कोई लैग वगैरह बिल्कुल नोटिस नहीं हो रहा। हाँ हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप भाई नोटिस हो रहे हैं, लेकिन इस प्राइस में भाई ये नॉर्मल है। इवन 15,000 से 20,000 वाले स्मार्टफोन में भी अगर आप आज के टाइम पे गेमिंग करते हो तो वहाँ पे भी फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। बट इसका भाई ये अच्छा लगा भाई, फ्रेम ड्रॉप तो हल्के फुल्के लूज कर रहा है लेकिन लैग नहीं कर रहा, मतलब आप गेमिंग इसमें कर सकते हो। तो ये देखो अगर आप क्लच व्लच ऐसे करोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो जीत भी गए हम। इसमें परफॉर्मेंस के लिए वैसे MediaTek का आपको Dimensity 6300 प्रोसेसर दे रखा है, ये 6 nm वाला प्रोसेसर है। इसमें हमने दो टेस्ट किए थे, एक N2 4 लाख प्लस निकल के आता है और जो थर्मल है वो भी कंट्रोल्ड है। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया अगर 10,000 के नीचे कोई फोन है उसका जो एंड्रॉइड स्कोर है भाई 4 लाख 4.5 लाख के आसपास है, परफॉर्मेंस उस फोन में आपको सॉलिड मिलेगी प्राइस के हिसाब से। वैसे इसमें 4 GB की रैम है, 128 GB का स्टोरेज है, जो रैम टाइप है वो LPDDR4X है और eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है। आगे से डिस्प्ले देखने में कुछ ऐसा लगता है, हाँ ये वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। आई नो आप बोलोगे वाटर ड्रॉप नॉच पंच होल होता बढ़िया रहता, बट अंडर 10K में वाटर ड्रॉप नॉच सच बताओ तो भाई एक्सेप्टेबल है। अगर इसकी प्राइस भाई 15,000 से ऊपर निकल के आती तो कंप्लेन कर सकते थे, 10,000 के अंडर आई थिंक मेरे ख्याल से डिस्प्ले देखने में भाई प्राइस के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। वैसे ये जो डिस्प्ले है 6.56 इंच की 90Hz HD+ LCD डिस्प्ले है, 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट है, 840 nits की पीक ब्राइटनेस है। एंड यस ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो भाई ये TUV सर्टिफाइड भी है। अगर आप बहुत ज्यादा रील्स वगैरह देखते हो रात भर, और काम ही क्या होता है, आई नो आप रात भर रील्स ही देखते रहते हो, तो सर्टिफाइड होने से क्या होता है भाई जो ब्लू लाइट निकलते हैं वो काफी कम निकलते हैं और आपकी आंखों को काफी कम नुकसान पहुंचाएगी। YouTube पे एक बार वीडियो टेस्ट कर लेते हैं भाई, 1440p पे आप वीडियो प्ले कर सकते हो, वैसे 720p डिस्प्ले है लेकिन आप 1440p पे यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। ऐसे डिस्प्ले देखा जाए बढ़िया लग रहा है यार देखने में, तो सही में भाई क्वालिटी डिस्प्ले की अच्छी लग रही है यार। 90Hz है तो स्मूथनेस आपको फील होगा इसमें, एंड 720p डिस्प्ले है बट स्टिल क्वालिटी आप खुद देखो, मतलब ऐसे फील नहीं होगा भाई 720p डिस्प्ले है। YouTube पे कोई वीडियोस वगैरह देखते हो, क्लैरिटी अच्छी है इसकी। वैसे 89.64% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो बेजल्स है साइड में ऊपर की साइड में ये एवरेज बेजल्स है और नीचे चिन की साइड में एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा बेजल्स है। सही में भाई डिस्प्ले LCD के हिसाब से कलर्स बढ़िया दिख रहे हैं। एक और चीज बहुत बढ़िया लगी भाई, वो है सब्सक्राइब का बटन, ऐसे क्लिक करोगे देखो आह कितना अच्छा लग रहा है। एंड एक और चीज भाई, यहाँ बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल पे क्लिक करो यार, दिल की घंटी बजेगी भाई आपको सबसे पहले सुनाई देगा। ओके बाकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करो तो भाई नीचे की साइड में ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, यहाँ पे टाइप सी है। एक सेकेंड, जो भाई विलुप्त हो रहा है गड्ढा जिसकी सख्त जरूरत है, ये देखो भाई 3.5 mm का गड्ढा है। नाइस, अच्छा लगा यार, थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। बाकी राइट साइड में पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है और यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट दे रखा है। इसको एक बार निकाल के देखते हैं भाई,
ये क्या है, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है। बाकी हैप्टिक वाइब्रेशन जब आप टाइप वाइप करते हो, ऐसा टच वगैरह करते हो, हैप्टिक वाइब्रेशन नहीं है। एक बार ना इसका कैमरा टेस्ट करते हैं, देखने में कैसा निकल के आता है ये। तो चलो एक बार कैमरा टेस्ट करके देखते हैं भाई कैसा आता है। ओके, ये 1x है, ये 2x है, और ये पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट में थोड़ा सा क्लोज जाते हैं एक बेटर पोर्ट्रेट लेने के लिए। ये देखो फोटोज इंडोर लाइटिंग कंडीशन में बढ़िया निकल के आ रहे हैं। ये देखो लाइटिंग के हिसाब से अगर आप जूम करते हो, ये देखो डिटेल्स है भाई, जिस तरह के कलर सारे फेस पे एकदम नेचुरल दे रहा है यार। थोड़ी सी भाई ओवर शार्पनिंग कर देता है, पर फोटो देखने में बढ़िया लग रहा है। चलो एक बार एनिमे की फोटो लेके देखते हैं भाई। ये 2x में लेते हैं। ओ हो भाई, बजट कैमरा फोन तो बिल्कुल नहीं लग रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि एक 15-16-17 वाला कैमरा फोन है। ये देखो आपको, देखो क्वालिटी, कलर्स देखो भाई। भाई मेन कैमरा कैमरा के हिसाब से बहुत अच्छा लगा यार। चलो यार एक बार सेल्फी लेके देखते हैं भाई। ये सेल्फी एक नॉर्मल मोड, ये देखो भाई सेल्फी अगर मैं जूम करता हूं भाई, डिटेल्स भाई ठीक ठाक है। 8 मेगापिक्सल वैसे सेल्फी दे रखी है तो उसके हिसाब से डिटेल डिसेंसी है। बाकी ये फोटो देखो भाई, सेल्फी मैं कहूंगा ठीक है भाई, डिसेंट सा ठीक ठाक काम कर लेता है, डिसेंसी सेल्फी कह सकते हो। वैसे इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी AI कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। आगे की साइड में आपको ये 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कैमरा यार हमने जितना भी टेस्ट किया है, ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा, कैमरा हमें प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया लगा। फोटोज अच्छे आते हैं, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में अगर आप कोई फोटोज लेते हो, वहां पे आपको जो डेप्थ देखने को मिलता है, जो कलर्स देखने को मिलते हैं, और जो मेन कैमरे से सेल्फीज आते हैं, इवन इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भाई बहुत अच्छे फोटोज, ब्राइट फोटोज क्लिक करता है बेटर डिटेल के साथ। ये कुछ फोटोज देख लो इंडोर आउटडोर में, आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह के फोटोज क्लिक करता है, मेन कैमरे से, रियर कैमरे से, पोर्ट्रेट कैमरे से। कैमरा फीचर्स की बात करो तो ये देखो नाइट मोड है, पोर्ट्रेट है, फोटो है, और यहाँ पे जाते तो आपको मल्टीपल फिल्टर्स मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में। ये लाइट इफेक्ट भी देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अगर आपको लाइट इफेक्ट देने हैं। वीडियो मोड है, वीडियो में जाते हो आप 1080p आप वीडियो शूट कर सकते हो। मोर पे जाते हो, ये देखो 50 मेगापिक्सल पैनो मोड है, डॉक्यूमेंट है, स्लो मोशन है। मतलब बजट फोन है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कैमरा फीचर्स मिस कर दे, है भाई कैमरे में फीचर्स देख सकते हो। 5000mAh की बैटरी है, 15W का चार्जर है, बैटरी बैकअप आपको अच्छी मिल जानी चाहिए। बजट सेगमेंट में जनरली आपको 10W के चार्जर मिलता है, बट फिर भी iQOO 15W दे रहा है। एक चीज मुझे बहुत सही लगी भाई, इस फोन में IP64 रेटिंग मिलता है, मतलब स्प्लैश फ्लैश होगा, पानी के छींटे वीटे पड़ेंगे, वो सब चीजों को भी झेल लेगा। और बजट सेगमेंट में मिलना भाई ये एक बड़ी बात है। एंड फंटर चॉइस में आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि हिडन एल्बम्स हो गया, स्क्रीन स्प्लिट करना, ये सब कर सकते हो आप। तो ये था भाई एक कंप्लीट iQOO Z9 Lite 5G की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 999 है 4GB 128GB के लिए विद ऑफर्स, और 1099 है 6GB 128GB के लिए। उसकी जो सेल है वो 20th जुलाई से स्टार्ट है। आप इन फोन्स को Amazon या फिर iQOO की ई स्टोर पे बाय कर सकते हो। अब अगर मैं ओवरऑल फोन की बात करूं, अंडर 10K में ये फास्टेस्ट 5G फोन बन जाएगा अगर आता है तो। ओवरऑल देखा जाए तो फोन में बस एक ही कमी लगता है, वो है वाटर ड्रॉप नॉच। बट अंडर 10K में वाटर ड्रॉप नॉच ऑनेस्टली बताओ एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए iQOO ने इस फोन में भाई भर भर की फीचर्स डाल दिए हैं। ठीक है, अंडर 10K में एक आपको पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, सोनी का AI कैमरा, IP64, ये सारी चीजें ना भाई अंडर 10K में कोई नहीं दे रहा। परफॉर्मेंस सॉलिड है, डिजाइन प्रीमियम है, लुक एंड फील के मामले में 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट भी दे रहा है। एंड iQOO की जो अपडेट हिस्ट्री है वो अच्छी है, उनका जो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है भाई वो भी बढ़िया है। ओवरऑल ये फोन मुझे कैसा लगा ऑनेस्टली, जितना भी मैंने टेस्ट किया है क्विकली फर्स्ट इंप्रेशन में, मतलब बजट फोन में एक वैल्यू फॉर मनी फोन ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस फोन को टेस्ट करने के बाद भाई ऐसा लगा डेफिनेटली इट्स अ वैल्यू फॉर मनी फोन फ्रॉम iQOO। सो अंडर 10K में कोई अगर आप फोन देख रहे हो भाई, एक वैल्यू फॉर मनी, परफॉर्मेंस सेंट्रिक, कैमरा सेंट्रिक, तो ये फोन को डेफिनेटली आप भाई चेकआउट कर सकते हो। चलो भाई ये तो था भाई मेरा ओपिनियन, अब आप बताओ। उससे पहले नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है लाइक दबा दो यार, मोटिवेशन मिलती है। और आपके ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, कमेंट में बताओ आपको ये फोन कैसे लगे। वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो। मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।